नमस्कार दोस्तों, हम ये सब बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काशी को क्योटो बनाने वाले हमको अभी तक नहीं कह रहे हैं कि मीठा का सत्याग्रह वहाँ डांडी पर क्यों हुआ कि जहाँ नमक या मीठा पैदा ही नहीं हुआ था। ये लोग हमें अभी ये भी नहीं समझा रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी की फ़ाइट के लिए उन्होंने ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन क्यों दिया। ये कुछ भी समझाए बगैर वो हमें ये अब समझा रहे हैं कि राम का जन्म कहाँ था, मगर काशी का इतिहास क्योटो तक पहुँचा है ये लोग जानते हैं, मगर अयोध्या का इतिहास तो लाहौर से शुरू होता है। ये बात हमको जानने देती क्यों नहीं है? ये इतिहास को कौन पलट रहा है? ये सब समझने के लिए हम ये मशक्कत कर रहे हैं। तो ये मीठा का सत्याग्रह क्यों हुआ? तो द टर्म वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिठू, इसमें टैक्सेशन की कोई बात नहीं थी। ये टर्म मिठू टर्म को जानने के लिए हम साउथ अफ्रीका, ज़ैदिया, ऑटोमन तुर्क खिलाफत और जापान, जहाँ ये लोग भागदौड़ करते आए हैं और कर रहे हैं, अब वहाँ मीठा कहाँ छुपा है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मथेथवा एम्पायर ऑफ साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। इसका स्पेलिंग है MTHETHWA एम्पायर। ये 18वीं सदी में बना था। अब समझ लो कि सत्याग्रह यहाँ जब भी हुआ हो, मगर मथेथवा एम्पायर यहाँ 18वीं सदी में साउथ अफ्रीका में बन चुका था और उसका मीनिंग है वन रूल्स। ये मथेथवा एम्पायर का मीनिंग है वन हु रूल्स, ये हमको समझना पड़ेगा। और यहाँ तुगेले रिवर के तुगेले तौर एक पीपल अपने देख चुके हैं नाइजीरिया में, उनका राजा था शाका। अब मैं बार बार प्रश्न कर रहा हूँ भाई, नागासाकी जापान में क्यों है? नागपुर यहाँ है, शाका यहाँ है, नागासाकी जापान में क्यों है? मगर ये साउथ अफ्रीका के राजा का नाम ही शाका है। उसका स्पेलिंग है SHAKA। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के बारे में बाकी बहुत लंबी चौड़ी बात कर चुके हैं, मगर ये मीठा के सत्याग्रह को समझने के लिए आपको ये मथेथवा एम्पायर को समझना पड़ेगा। अब जहां हमको ये सब का सेंटर पॉइंट मिला है वो ज़ैदिया। ये ही ज़ैदिया लोग लगते हैं कि जो इस्लाम के सामने लड़ने में और हमें लड़ाने में हमें भुला रहे हैं कि अयोध्या का आगे का इतिहास लाहौर से शुरू हो रहा है। ये इतने इस्लाम के सामने लड़ने के अंदर इतने डूब चुके हैं और हमें डुबा चुके हैं कि ये हमें भुला दे रहे हैं, अयोध्या को भुला दे रहे हैं कि लाहौर रामपुत्र लव ने बसाया था। तो अब ज़ैदिया की बात कर लेते हैं। मथेथवा एम्पायर अपन ने साउथ अफ्रीका में देखा। यहाँ का जो एम्पायर है उसका नाम है अल मामलक अल मुतावक्किला। हमने अवक्किला, ये अवक्किला है वो आपको जापान के अंदर मिल जाएगा। ये अवक्किला, अब अकीला टर्म के बारे में, अकीडा हमने टर्म्स की बात की, वो ये टर्म है। मगर यहाँ की दिलचस्प सबसे बात यह है, ये समझने के बगैर हम आज के भारत को, इतिहास को नहीं समझ सकते। इसका नाम है अल मामलक, मामलक, मामलक को आप जान के मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये तो मोहम्मद गजनी और गोरी मामलक गुलाम वंशियों की बात हो रही है, तो ये सब गुलाम वंशी है। अब ये मक्का जानता है, हम नहीं जानते हैं। अब ये सब बात छुपाने के लिए अब ये मीठा का सत्याग्रह किया जाए, ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन दिया जाए, काशी को क्योटो बनाया जाए, मगर ये मामूलक है, ये ज़ैदियों का इतिहास कहता है। कासिमिड्स वेर देयर रूलर्स, कासिमिड्स QASIMIDS। अब ये काशी ने क्योटो को अपन समझ सकते हैं। अब ये यमन का इतिहास, ज़ैदियों का इतिहास, हमारे राम की भूमि पे, गंगा की भूमि पे, यमुना की भूमि पे, लाहौर की भूमि पे, रामपुत्र लव के लाहौर की भूमि पे ये लोग थोप रहे हैं और हमें कहते भी नहीं है कि मीठा का सत्याग्रह क्यों हुआ। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा। रशीद
उनका पुत्र था कासिमीड्स का। दावा उनक्रिजम है, डी ए डब्ल्यू ए एच, डी डबल ए डब्ल्यू ए, ये उनकी टर्म है। रसीद, राज हर यमन के हर राजवी को रसीद कहा जाता था। अब ये पाशा जो तुर्क टर्म है उसके बारे में भी समझ लो, इनका इनके साथ सीधा रिश्ता है, ये हम आगे देखेंगे। मगर ये पहले तो मामलक अल मुतावक्कल जिसके कारण यहाँ नमक का सत्याग्रह हुआ। अब आप देखेंगे कि मथेथवा किंगडम जब साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ तब ही ये मुताविकलाइट्स का किंगडम 1918 से 1962, मतलब कि ये सब यहाँ नमक का सत्याग्रह, वहाँ मथेथवा एम्पायर, वहाँ मुतावक्कलाइ किंगडम, और जापान में देखोगे तो उसी समय मैजिस, मतलब कि ये एक साथ कहीं एक जगह किया हुआ कारस्तान है और एक साथ सब शुरू हुआ है जो हम समझ नहीं सके। तो ये मामलक अल मुताविकल्लही को बारे में इसलिए अपन को समझना है क्योंकि यहाँ मोहम्मद गजनी और घोरी ने जो हमला किया वो मामलक थे, तो उनको निमंत्रण देने वाले कौन थे इसको समझे बगैर ही हम क्या आगे बढ़ रहे हैं और लाहौर पे हमला कर रहे हैं। मामूलक ये मोहम्मद गजनी और घोरी तो खुरासान से आए थे, ना कि लाहौर और पेशावर से। ये मामूलक एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है स्लेव। नॉन मुस्लिम स्लेव सोल्जर्स के लिए या मुस्लिम रूलर्स ऑफ स्लेव ओरिजिन के लिए, मतलब कि ये अरबस्तान और यमन का हिस्ट्री है जो हम नहीं जानते हैं, इसका गैर फायदा लिया जा रहा है। अब ये मामूलक कौन थे, तो उसमें टर्किक थे, इजिप्शियंस से, कॉप्स से और सिरकासियंस थे। मैंने बोला, मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मोहम्मद गोरी और गजनी के सैन्य के अंदर मैं सिरकासियंस को देख चुका हूँ और वो माओतियंस से आए थे। माओतियन संस्कृति है, अउज, सी ऑफ अउज, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो ये सिरकासियंस भी थे, फिर अबकाजियंस से और जॉर्जियंस थे। अब ये मामूलक तुर्क का जो यहाँ हमला हुआ इसके आर्मी का नाम आपके सामने है। अब वो सब जहदिया से नस्बत रखते हैं और यमन के हैं। अब ये अब्बासिड खिलाफत उनका आका था, उनके समय ही ये मामूलक सब आगे बढ़े और उनका एक नाम भी था अल मुताइज़ल बिल्लाह अब्बासिड खलीफ। तो अब्बासिड को ज़्यादा नज़दीक से जानने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमला कराने वाले में भी वो शामिल है और निमंत्रण देने वाले में भी शामिल है। जयचंद ने कभी निमंत्रण नहीं दिया, ये यहाँ कुछ गलतफहमियाँ चल रही है। ये उनका एक अब्बासिड खलीफ था अल मुताइज़िल बिल्लाह, एम यू टी ए आई एस एम बी आई डबल ए एच, ये अब्बासिड खलीफ था। उसने अल मुताइज़म की शुरुआत की थी। अब ये मुताइज़म जिसके कारण यहाँ मीठा का सत्याग्रह हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मुताइज़म एम यू टी ए आई एस एम, और उसकी राजधानी समारा के अंदर थी, इराक के समारा के अंदर थी, और ये 836 एडी के अंदर ये शुरुआत हुई थी जब मामूलक जोश में थे और लाहौर और पेशावर पे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इनके पृष्ठ का नाम भी है बर्मा किट्स, मैं बोल चुका हूँ, आप एक बार खोल के तो देखो कि बी ए आर एम ए के आई डी एस, बर्मा किट्स का पहली लाइन में क्या लिखा है, बहुत क्लियर हो जाएगा। और ये मुताज़िला स्कूल के बारे में देखा जाए तो ये तो सीधी नेगेट करती है कुरान को। अब ये हमें यहाँ आके ये सिखा रहे हैं, अब वो वहाँ क्यों ऐसा कर रहे थे वो मथेथवा किंगडम ऑफ साउथ अफ्रीका जानता है। वो मुताज़िला स्कूल वहाँ क्यों बना रहे थे वो मथेथवा किंगडम ऑफ द साउथ अफ्रीका जानता है, और वो यमन में क्यों ऐसा कर रहे थे ये समझने के लिए हमको साउथ अफ्रीका के मथेथवा किंगडम को समझना पड़ेगा, नमक के सत्याग्रह को समझना पड़ेगा। ये रिजेक्ट करती है कुरान को, ये हमें सिखा रहे हैं, जो वो खुद कर रहे हैं वो हमको सिखा रहे हैं, उनका जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। सिखाने वाले वहाँ के हैं और वो भी वहाँ के हैं, समझाने वाले भी।
सना उनकी राजधानी थी, ज़ैदी थे। तो ये ज़रा मुताज़िला स्कूल के बारे में देखा जाए तो मूवमेंट रीच्ड पॉलिटिकल हाइट ड्यूरिंग द अब्बासिड खिलाफत, और वो सब अता द्वारा ये स्कूल शुरू हुई थी, ATA। अभी अता आ गया वापस, ऑटोमन तुर्क खिलाफत। तो हमें ये सब समझना पड़ेगा मुताज़िला स्कूल के बारे में। मुताज़िला स्कूल कहती है कि दोज हु वुड नाइदर कंडेम नॉर सेंक्शन अली और हिज ओपोनेंट्स बट टूक ए मिडिल पाथ वेर टम्प्ट मुताज़िला। अब यहाँ व्याख्या बदली गई, क्योंकि उनको उनकी मिथेत्वा टम्स है, ये यहाँ वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये यमन है, साउथ अफ्रीका नहीं है। तो यहाँ अली के सामने ये टम्प खड़ी हुई, ये अली के सामने टम्प खड़ी हुई है, और यहाँ जो मिठा का सत्याग्रह हुआ वो लाहौर के सामने था, लाहौर को अलग करने का, अयोध्या और लाहौर को अलग करने के लिए था मिठा का सत्याग्रह, काशी को क्योटो को बनाने के लिए था। वो टम्प बदल गई, यहाँ मिठा हो गया, वहाँ मुताज़िला स्कूल थी। यहाँ ये कहती है ये ऐसे लोग थे कि जो बिलीवर और नॉन बिलीवर की व्याख्या में न बांध सके। ये अरेबिक हिस्ट्री कहता है तो अरेबिक लोग इनको जानते हैं, अब हम नहीं जानते हैं अरेबिक को, इसका ये गैरफायदा ले रहे हैं। ये 10th century के अंदर टर्म यूरोप में यमन में डेवलप हुई थी। मुतालिजा इज वर बेस्ट नोन फॉर द रिजेक्टरी डॉक्ट्राइन ऑफ कुरान एज अनक्रिएटेड एंड को इटर्नल विद गॉड। ये मतलब कि पहले से वहीं विरोध कर रहे हैं और हमें विरोध सिखा रहे हैं, और ये विरोध करें इसकी इसकी हमको चिंता नहीं है, मगर वो अयोध्या से लाहौर को अलग कर रहे हैं इसकी हमें चिंता है, क्योंकि लाहौर को रामपुत्र लव ने बसाया है, इनके विरोध के अंदर हम भूल रहे हैं। इस बात की चिंता है कि ये राम को मिटा रहे हैं। मेरे हिसाब से अब मुताज़िलाई की एक इंडियन टम्प्स बननी चाहिए, जैसे यमन के अंदर उन्होंने मिथाथ्वे किंगडम को छुपा के, जिसका अर्थ होता था वन हु रूल्स साउथ अफ्रीकी किंगडम। अब यहाँ उनको इंडिया के अंदर एक टम्प बनानी चाहिए, उसकी ये टम्प होनी चाहिए कि मुताज़िला मतलब कि नमक उर्फ मीठा का ऐसा सत्याग्रह है जो दक्षिण अफ्रीका के मथेत्वे एम्पायर और यमन के मुथाविकलाइट्स एम्पायर, सेंट्रल एशिया के माओतियंस और जापान के मेजी जिदाई की बात छुपाकर इन्हीं लोगों को गंगा जमुना अयोध्या और लाहौर की भूमि पे बल देने का सत्याग्रह। तो यहां ये व्याख्या उनको क्लियर कर देनी चाहिए कि भाई हमारा काम ये था, अब तुम समझ नहीं रहे हो तो उनके यहाँ टर्म बदलने। जैसे ही उन्होंने यमन के अंदर मिथेत्वा एम्पायर की वन हु रूल्स वो उनको ने वहाँ टर्म बदल ली, क्योंकि सामने इस्लाम था। अब यहाँ कोई नहीं है, बेचारा राम भी लाहौर में है और ये हमें बना रहे हैं, तो ये टर्म बदलने चाहिए। अब अपन जापान के मेजीजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी मिठा का सत्याग्रह के बारे में ही है। तो मेजी जिदाई MEIJI ज़ैदिया है, जिदाइया JIDAI, वहाँ भी 1868 टू 1912 उनका शासन रहा। मतलब कि एक साथ इतनी जगह पे ये मिठा का सत्याग्रह इफेक्ट कर रहा था और हम जान नहीं रहे थे, और बात कर रहे थे हिंदुस्तान हमारा है। अरे भाई, हौथी यमन में है, हौथी का इतिहास यमन में है, ज़ैदिया का इतिहास यमन में है, तो हिंदुस्तान तुम्हारा कहाँ से हो गया, राम तुम्हारा कहाँ से हो गया? और ऐसे लोग कि जो लाहौर और अयोध्या को अलग कर रहे हैं, उनका तो हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? तो ये यमागाटा अरिटोमो, अब समझ गए, यमागाटा अरिटोमो, ये मेजी जिदाई के समय की मैं ये टर्म दे रहा हूँ, जिन्होंने इस नाम की काउंसिल बनाई थी जापान के अंदर, अकीहितो, वो
एकोतर कूल को याद कर रहे हैं, अकेला टाइड्स को याद कर रहे हैं, अंकारा को याद कर रहे हैं। कासिम, मैंने बोला कासिम वहां शासन कर रहे थे, वहां भी यमन के अंदर भी कामी टम को छुपाया गया है, मगर जापान में वहां कोई नहीं है, ना राम है, कोई नहीं है, तो वहां टम है। कामीनो मिची वे ऑफ कामी, कासिम को समझने के लिए, काशी को समझने के लिए, क्योटो को समझने के लिए, जिंगजियांग के कशार को समझने के लिए हमें ये टम को समझना पड़ेगा। कामीनो मिची, के ए एम आई एन ओ एम आई सी एच आई, इसका मीनिंग है वे ऑफ कामी। अब ये कामी कौन है वो आप और हम जानते ही नहीं है। यहाँ प्रयोग हो रहे हैं, नाम दिया जाता है सत्याग्रह प्रयोग, और अयोध्या से लाहौर दूर हो रहा है। अब ये जो लोग हमें ये नहीं बता सकते, ये बताने की हिम्मत नहीं कर सकते कि नमक का सत्याग्रह, नमक पैदा हुआ वहाँ क्यों हुआ, पैदा नहीं होता था वहाँ क्यों हुआ, वो कैसे दावा कर सकते हैं कि राम का जन्म यहाँ हुआ था। इसके बावजूद मैंने माओटियन पीपल ऑफ द सेंट्रल एशिया, एम ए ई ओ टी आई ए एन पीपल, ये मीठे की ही बात है। मैंने सिरकासियन कहा, वो यहाँ से यहाँ के थे, इसलिए यहाँ जो मिल जाते हैं। अडीगे पीपल, एडन और अडीगे से सीधा संबंध मिल जाता है, और ये सब पूरा मीठा का साम्राज्य है, और ये लोग हमें लाहौर और अयोध्या को अलग करने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।